डियर स्टूडेंट्स, आज गेट के क्वेश्चंस में गैस डायनेमिक्स टॉपिक्स में 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको देख लेते हैं। तो कंसीडर अ स्टेडी फ्लो थ्रू ए हॉरिजॉन्टल डाइवर्जेंट चैनल एज सोन इन फिगर विद सुपरसोनिक फ्लो एट द इनलेट। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। प्रेशर एट लोकेशन बी इज ऑब्जर्व टू बी हायर देन एट एन अपस्ट्रीम लोकेशन ए। विच अमोंग द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी रीजन। रीजन के साथ में हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो यहाँ पे दो लोकेशंस हैं, लेफ्ट टू राइट मतलब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अपस्ट्रीम सेक्शन है और राइट साइड पे डाउनस्ट्रीम सेक्शन है। तो जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे चार विकल्प दिए हुए हैं, उस चार विकल्प के हिसाब से हमें एक सेलेक्ट करना है। तो जो पहला विकल्प है उसमें दिया है सिंस वॉल्यूम फ्लो रेट इज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एट बी इज लोअर देन द वेलोसिटी एट ए। दूसरा विकल्प दिया है नॉर्मल शॉक का। तीसरा विकल्प दिया है विस्कस इफेक्ट का। चौथा विकल्प दिया है बाउंड्री लेयर सेपरेशन का। तो यहाँ पे जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट यदि फ्लूड मूव हो रहा है तो सुपरसोनिक से सबसोनिक की तरफ फ्लूड फ्लो हो रहा है। तो जैसा कि मीन फ्री पाथ की डिस्टेंस रहती है कि फ्लूड जो है पास सुपरसोनिक से सबसोनिक कंडीशन पे हो रहा है, तो वहां पे वेलोसिटी जो है डिक्रीज होती है और सडनली प्रेशर राइज होता है। तो यदि प्रेशर राइज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो उस केस में नॉर्मल शॉक होना जाहिर सी बात है। तो चूंकि यहाँ पे एब्रप्ट रिडक्शन ऑफ वेलोसिटी है डाउनस्ट्रीम सेक्शन साइड पे, तो वहां पे जो सुपरसोनिक से वेलोसिटी है वो सबसोनिक के केस में हो रही है। वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट होने के बावजूद भी यहाँ पे हमें नॉर्मल शॉक का जो है फिनोमिना दिखाई दे रहा है। तो जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो बी है और वो नॉर्मल शॉक है।